व्हाट्सएप में जब हम मैसेजेस आगे सेंड करते हैं किसी को या फिर फॉरवर्ड करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ये एनक्रिप्टेड है, यानी कि सेफ है। लेकिन फेसबुक के व्हाट्सएप के ऊपर टेक ओवर के बाद क्या आपके मन में कभी ये डाउट आता है कि अगर इतना सेफ है तो व्हाट्सएप मैसेजेस लीक कैसे होते हैं? आज के इस वीडियो में, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरीके से डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन आज के समय में इम्पॉर्टेंट है, ये होने वाला है हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन। इसके अलावा हम लोग मैप ऑफ द डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द डे और साथ ही साथ टेबल को भी डिस्कस करेंगे। एंड में एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। शुरू करते हैं 12th of April 2023 के करंट अफेयर्स को। माय नेम इज अंतरा भुयान एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेशन। लेट अस हैव अ लुक इन द फर्स्ट स्नैपशॉट। ये जो स्नैपशॉट है ये हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। कल यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, सोनिया गांधी जी का एक आर्टिकल आया था, तो सोनिया गांधी के इस आर्टिकल को यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज़ किया है। ये एक न्यूज़ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने कल का एडिटोरियल भी यहाँ पे नहीं लिया था। फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 17th लोकसभा सेट टू बी शॉर्टेस्ट सिंस 1952। ये थोड़ा सा आपका पॉलिटी के एंगल से क्रिटिकल एनालिसिस आप कर सकते हो इसमें, कि जो आपका क्वेश्चन सेशंस है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं उसके हिसाब से अगर सेशन शॉर्ट होगा, शॉर्टेस्ट सेशन सिंस 1952, तो उसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है, शायद बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया, शायद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें पूछे नहीं गए, तो ये एक साइड इफेक्ट यहाँ पे रह जाता है। आज जो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे लिए हैं वो है डेटा प्रोटेक्शन बिल इन मॉनसून सेशन बिल इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंटेड। और अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले GS2 का एक आप लोग मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो सकता है। डिस्कस द की पॉइंट्स इन द प्रपोज्ड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। तो समझ में आया, अभी हम बहुत आसान कर देते हैं इसको। डिजिटल पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा जो भी आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के थ्रू कहीं सेंड कर रहे हो या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई डेटा आप शेयर कर रहे हो, कहीं पे ऑफलाइन ही चाहे आपने अपने इंफॉर्मेशन को, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आपसे किसी ने कलेक्ट किया, फिर उस डेटा को डिजिटाइज किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसको ले आए, तो आगे वो इसको शेयर कर सकते नहीं शेयर कर सकते, ये सभी किसके अंदर आ रहा है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए 2017 में ही जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी के पुत्र स्वामी केस के कंक्लूजन में क्या निकल के आया था, जो 9 बेंच डिसीजन था, दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज इंट्रिंसिक इन आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी, राइट। लेकिन 2017 से अगर आपको डिजिटल डेटा का भी प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर उसके लिए एक प्रॉपर लॉ होना पड़ेगा, तो ये तब से बनाने का कोशिश ही चल रहा है। 2019 में भी ये फ्रेमवर्क बना था, पर उसमें अमेंडमेंट होते होते 80+ अमेंडमेंट्स उसमें इतने सारे निकल के आए। तो यहाँ पे सरकार ने क्या डिसाइड किया कि जब इतने सारे अमेंडमेंट्स निकल के आ रहे हैं और फिर व्हाट्सएप का भी बहुत सारे पेटिशनर्स ने यहाँ पे किया कि फेसबुक ने जो व्हाट्सएप को ओवरटेक किया, अब कितना सिक्योर है डेटा, अब क्या हम आगे इसको लेके कर सकते हैं, तो उन सारे पेटिशनर्स का भी अभी पेंडिंग सब चल रहा था। तो जो कंक्लूजन निकल के आया कि हम एक काम करते, इस पूरे के जगह पे नया क्या लेके आते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। अब देखिए ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 है, अभी सरकार ने ये बोला कि ये रेडी हो चुका है और जो मॉनसून सेशन अभी होने वाला है उसमें हम लोग इसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें देख लीजिए, इससे पहले डेटा को हम जो है 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक जनरल डेटा के नाम वाम ये सब जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन,
एक क्रिटिकल डेटा, मतलब उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो कि क्रिटिकल हो सकता है, और एक सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा जैसे कि आपका बेस्ड ऑन हो सकता है कि कभी कास्ट बेस्ड डेटा कुछ हो सकता है जो कि न्यूज़ में रहा भी है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, ये सब डेटा हो सकता है जो कभी कभी सेंसिटिव में इसलिए कैटेगराइज कर देते हैं कि ये किस टाइम पे रिलीज़ किया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। रिलीज़ किया जा रहा है कि नहीं वो तो है ही है, पर किस वक्त उसे रिलीज़ किया जा रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। अब देखिए, टू एनफोर्स इंडिविजुअल प्राइवेसी इन ऑनलाइन स्पेस, इस डेटा को लेके आने का मेन एम क्या है, वॉट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ब्रिंगिंग द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। द मेन पर्पज़ इज टू एनफोर्स इंडिविजुअल प्राइवेसी इन ऑनलाइन स्पेस। ऑनलाइन स्पेस में इंडिविजुअल का प्राइवेसी कैसे मेंटेन किया जाएगा। ये जो नया ड्राफ्ट है, नया देखिए बिल एक्ट कब बनता है, जब वो आपका लोकसभा में पास हो गया, अगर वो लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ है तो राज्यसभा में पास हो गया, देन विद द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट अ बिल विल बिकम एन एक्ट, अनलेस एंड अंटिल इज अ मनी बिल, तब प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। न्यू बिल इफ पास्ड बाय पार्लियामेंट विल रिप्लेस द करंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो कि 2011 से चल रहे हैं, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीड्यूर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। अब ये नाम आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, नो प्रॉब्लम, यू ऑलरेडी नो देर इज सेंसिटिव, क्रिटिकल एंड जनरल डेटा, राइट। तो इसमें जो है आपके 2011 के रूल्स को अब उसको रिप्लेस कौन करने जा रहा है, अगर ये पास हो गया तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, अभी बहुत न्यूज़ में आगे देखने को मिलेगा। सो ये कब से ज़्यादा लाइमलाइट में है, जब से 2017 में इन द के पुत्तुस्वामी केस राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट, तब से 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 6 साल, 5 से 6 साल हम लोग इससे जूझ रहे हैं कि हमारे पास कब एक फाइनल बिल इससे रिलेटेड जो है आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें कुछ प्लस माइनस प्रोविजन, हाईलाइट ऑफ द बिल। नाउ सी, नंबर वन इज द एप्लीकेबिलिटी, इस बिल का एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या ये ऑनलाइन जो आपने व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड किए वहाँ तक सीमित है, ये एक्सटेंड होता है कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्लस कोई भी ऑफलाइन इंफॉर्मेशन जिसको आपने डिजिटाइज्ड किया है, जिसको आपने क्या कर दिया है, डिजिटाइज्ड या फिर ऑनलाइन अवेलेबल जिसको आपने कर दिया है, ये उस सब में। देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट में से मैं आपके लिए इतना सिंपल के फॉर्मेट में लेके आई हूँ ताकि आप इसको प्रोड्यूस कर पाए एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मतलब क्या हुआ कि हाँ मंजूर है, ओके, आई गिव माई कॉन्सेंट, ऐसा बॉक्स आता है ना दैट यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेजेस रिगार्डिंग द प्रमोशंस। कभी भी आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग किया या फिर कोई नया पोर्टल में आपने रजिस्टर किया आपने आपको, तो प्रमोशनल मैसेजेस आप रिसीव करना चाहते हो कि नहीं, वो कॉन्सेंट मांगी जाती है कि नहीं मांगी जाती है, राइट। तो उसी तरीके से कॉन्सेंट विल गो टू एनी काइंड ऑफ लॉफुल यूज दैट यू आर डूइंग, तो उसमें कॉन्सेंट यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर बात आए कि कोरोना में इस इंसान को कोरोना है कि नहीं है, अभी तो दोबारा केसेस राइज होने लग रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन मुझे देना ही नहीं है कि मुझे कोविड हुआ है, किसी को बताना ही नहीं है, तब क्या होगा, ये तो पब्लिक हेल्थ पे असर हो जाएगा, आपके आसपास के लोग आपसे कैसे बचेंगे, है ना। तो इसीलिए जब कोविड अपने पीक पे था तब आरोग्य सेतु ऐप जो आया था वो फ़ोन में एक्सेस करना ज़रूरी था, और आसपास के लोगों को पता चल जा रहा था, आप अगर एयरपोर्ट में जाएंगे तो आरोग्य सेतु ऐप देखा जाता था उस समय कि फ़ोन में है कि नहीं है, है ना। इससे अगर आपके आसपास प्रॉक्सिमिटी में अगर कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है तो आसपास के लोगों को पता चलता था कि ये वाला एरिया में काफ़ी सारे कोविड पॉजिटिव लोग हैं। तो ये क्या है, लॉफुल येस, बट देन देर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इनफैक्ट वही पॉइंट है जो अभी जो है क्लैश हो रहा है कि इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इवन विदाउट द परमिशंस, इवन विदाउट द कंसेंट, कर सकते हो, कहाँ कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी में कर पाएंगे डेफिनेटली, मेडिकल इमरजेंसी में कर पाएंगे डेफिनेटली, तो इस तरीके से। पॉइंट नंबर 3 इज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल।
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डेटा प्रिंसिपल यहाँ पे कौन है? देखिए, जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल है जिसके भी डेटा के बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, एटलीस्ट उस इंडिविजुअल के पास राइट होना चाहिए कि वो चाहे तो उसको करेक्ट कर सके, राइट? तो यहाँ उस इंडिविजुअल को रेफर कर रहे हैं जो अगर अपने इंफॉर्मेशन को, मान लीजिए मरने के बाद किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ तक पॉसिबल किया जा सकता है ऑब्लिगेशंस, सॉरी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल. नंबर फोर इज ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशरीज. बहुत सरल भाषा में समझेंगे, डेटा फिड्यूशरीज बेसिकली वो है जिसने आपका डेटा कलेक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आधार से रिलेटेड अपनी इन्फॉर्मेशन को दिया है, तो यहाँ पे ये भी एक अभी डिबेटेबल पॉइंट चल रहा है दैट आधार का इन्फॉर्मेशन, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक बॉडी लेके आएंगे जो कि इसको रेगुलेट करेगा, इसको रेगुलर ऑडिट करेगा, तो व्हाट यूआईडीएआई इज सेइंग कि हमारे पास तो ऑलरेडी है, हम और हम अपने आप को बाकी सभी चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि हम कहीं भी कोई डेटा का लीकेज या फिर ब्रीच नहीं चाहते हैं. सो दे आर सेइंग वी हैव आवर ओन सिस्टम विच इज़ कम्प्लीटली सेफ, सो वी आर गोइंग टू स्टिक टू दिस. However, see, if the government is collecting some data, तो फिर डेटा फ्यूडिशरीज यहाँ पे वो हो गए जिन्होंने आपका डेटा कलेक्ट किया है और जो रिस्पॉन्सिबल है आपके डेटा के सेफ्टी के लिए, आपके डेटा के सिक्योरिटी के लिए. दोज आर द डेटा फ्यूडिशरीज एंड इट इज देयर ऑब्लिगेशन टू कीप योर डेटा सेफ एंड सिक्योर. नंबर फाइव, ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया. कुछ समय पहले एक कॉन्फ्रेंस न्यूज़ में अगर आपने सुना हो, देखिए डेटा इज़ द न्यू ऑयल, आपने सुना होगा. क्या होता है, काफ़ी सारे वक्त डेवलप्ड कंट्रीज़ बाकी चीज़ों का जो प्रेशर एक करने का कोशिश करती है, उनमें से एक प्रेशर पॉइंट ये भी है, दे ट्राई टू कलेक्ट द डेटा कि हमें डेटा दे दो. इट इज़ लाइक द न्यू ऑयल, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, वो डेटा यहाँ पे कलेक्ट करने का कोशिश करती है. तो एक देश, अगर मान लीजिए इंडिया, कैन वी ट्रांसफ़र द पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया? अगर हाँ तो किसे और कैसे, ये दो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है. नंबर सिक्स इज एक्सेप्शन. अगर आप किसी को डेटा आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तो फिर नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, आपको नोटिफाई करना होगा, ठीक है. एक्सेम्प्शन, किसे इससे एक्सेम कर दिया गया? डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली बताओ कौन? गवर्नमेंट एंटिटीज. नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ डिबेट इन दिस न्यू ड्राफ्ट, और क्रिटिकल एनालिसिस किया जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट बॉडी के लिए जो यहाँ पे इतना, ऑब्वियसली इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर, यहाँ पे क्या बात बताया जा रहा है कि पब्लिक ऑर्डर के लिए या फिर मान लीजिए सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस के लिए, स्टेटिस्टिक्स प्रिपेयर करने के लिए, रिसर्च प्रिपेयर करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए डेटा जो है गवर्नमेंट इसको एंटिटी इसको यूज़ कर सकती है. सो दे आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम दिस. नाउ सी दिस एक्सेम्प्शन, क्या आप अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो गवर्नमेंट एंटिटीज और प्राइवेट एंटिटीज को? क्या दोनों को ही प्रोटेक्शन नहीं मेंटेन करना चाहिए? क्या इस चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है? क्या गवर्नमेंट अपने हिसाब से आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं? 2017 में क्या बोला गया था, राइट टू प्राइवेसी के पुत्रस्वामी केस इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. तो यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि एक्सेम्प्शंस है तो कितना है और किस हद तक है. नंबर सेवन, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है, प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो इसी में मान लीजिए आधार पहले से अगर कुछ और तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो दे में से व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि हम तो ऑलरेडी एक प्रोटेक्ट फॉर्म मीन्स में यहाँ पे चल रहे हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा को जिस पर्पस से कलेक्ट किया जाए उसी पर्पस से उसे यूज़ किया जाए और लॉफुली यूज़ किया जाए, ठीक है. पेनल्टीज़ क्या लग सकती है अगर किसी ने वायलेट किया? तो फिर 150 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक यहाँ पे पेनल्टीज़ जा सकती है. सो दे आर फॉर चिल्ड्रंस, इट कैन बी लाइक से 150 करोड़ के आसपास की किसी चिल्ड्रन के डेटा को लेके आपने फुलफिलमेंट नहीं किया. और अगर आपने किसी सीरियस इंफॉर्मेशन या फिर किसी कोई
ब्रीच यहाँ पे कर दिया जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, इट कैन गो टू 250 करोर्स. ओके, तो ये पेनल्टीज यहाँ पे हो सकता है. अगर आप इसको डिटेल में गो थ्रू करना चाहते हैं देन यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लाइड एज वेल. मैं वन स्टेटमेंट में इसे समराइज करने का एक अटेम्प्ट यहाँ पे करती हूँ. देखिए, बात यह है कि जो भी पर्सन या फिर जो भी इंडिविजुअल अपने डेटा को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्रोवाइड करता है जो कि डिजिटाइज्ड किया गया है, वो डेटा का यूज़ अगर हो तो एक तो लॉफुल यूज़ ही हो, प्लस जिस पर्पज़ के लिए उसे कलेक्ट किया गया था उसी पर्पज़ के लिए आप उसे यूज़ करें, पूरे एक्यूरेसी के साथ यूज़ करें, उसमें कोई भी आप एडिट्स ना करें, और साथ ही साथ मिनिमम डेटा यहाँ पे आप कलेक्ट करें कि अगर आपने सिर्फ एक्सेस परमिशन टू मैसेजेस देना है तो मैसेजेस ही दे, कॉल्स ना दे, अगर सिर्फ कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करना है तो उतना ही दे, उसके आगे ना दे परमिशन, राइट. और उसके बाद देखिए, ये जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे लेकिन वो भी स्टोर ना करके रखें, वंस द जॉब इज ओवर शुड बी एबल टू डिलीट दिस इन्फॉर्मेशन. ओके, सो प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया वेयर सच डेटा इज कलेक्टेड ऑनलाइन और कलेक्टेड ऑफलाइन इज डिजिटाइज्ड. या तो ऑनलाइन कलेक्ट किया हो या तो ऑफलाइन कलेक्ट करके बाद में उसको टाइप किया कि ये नाम ये फ़ोन नंबर ऐसे है. किसको अप्लाई करेगा? आउटसाइड भी अप्लाई करेगा इफ़ इट इज़ डीलिंग विद आउटसाइड गुड्स एंड सर्विसेज. पर्सनल डेटा मे बी प्रोसेस्ड ओनली इन लॉफुल मैनर. आप इसको पढ़ के देखिए, मैं सरल समरी बता दी हूँ, सिर्फ लॉफुल तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और कॉन्सेंट होना चाहिए जिसका डेटा आप यूज़ कर रहे हो. ठीक है, डेटा फ्यूडिशरीज का ये उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो क्या करे कि जो भी डेटा है उसको सेफ रखे, सिक्योर रखे, वंस द यूज इज डन उसको प्रॉपरली डिलीट कर दे, डिस्पोज ऑफ कर दे. ओके, सो द बिल ग्रांट्स सर्टेन राइट्स टू इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सीक करेक्शन. मैंने आपको बताया था ना, अगर आप उसको बाद में इंडिविजुअल का क्या क्या राइट्स है ये समरी ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल, ये है उसका डिटेल. राइट्स एंड इसको आप याद रख सकते हो उस समरी स्लाइड से कि अगर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, मतलब मेरे पास क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, मैं चाहूँ तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करूँ, चाहूँ तो करेक्शन सीक करूँ, और चाहे तो कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल कराऊँ. सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेम्प्शन किसको दिया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, कि अगर आपको सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और ऑफेंसेस के प्रिवेंशन के लिए कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए किसी और का सेफ्टी ना हिंडर हो जाए इसलिए डेटा यूज़ करना है, तो चलो आपको एक्सेम्प्ट है. दिस इज डिबेटेबल एट प्रेजेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया. क्या एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे? नया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द बिल. अगर किसी ने बिल के प्रोविजंस के साथ कंप्लायंस नहीं दिखाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्ले द रोल एंड डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उसका टेक केयर करेगा. आगे 150 करोड़ लगाना है, 250 करोड़ लगाना है, फिर क्या किया जाए उसके साथ. ओके, सो आई होप द फर्स्ट आर्टिकल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, 2017 से हम वाया 2019, जिसको कि विदड्रॉ कर लिया गया था, 81+ अमेंडमेंट हो गया था इन द डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, अब हम 2023 के मानसून सेशन में एक नया बिल लेके आ रहे हैं. तो दैट इज वाई द पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इफ इट बिकम्स एन एक्ट, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव. आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल अगर आप देख पा रहे हैं, चेंज इन स्टेटस. क्या चेंज हो गया? स्टेटस चेंज हो गया. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, स्टेटस किसका चेंज हुआ है? आपका स्टेटस चेंज हुआ है. आप कौन? आम आदमी पार्टी. और यहाँ पे और भी पार्टीज का स्टेटस चेंज हुआ है, बट देखिए वैसे तो कुछ समय पहले से ही आपका पता था कि दे आर गोइंग टू बी द नेशनल पार्टी, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, रिकॉग्निशन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज हैपेंड. ओके, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड आम आदमी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी. ओके, नाउ सी, ये क्यों हो पाया है, कैसे हो पाया है? ये इसलिए हो पाया है बिकॉज इन इंडिया वी हैव अ फेडरल सेटअप. ओके, आप लोग पढ़ते हो ना, फेडरल विथ यूनिटरी बायस, फॉल्स फेडरल, फेडरल विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर,
इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 एंड द वर्ड फेडरल इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट स्टिल यू कैन से वी आर काजी फेडरल फॉल्स फेडरल फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. मतलब क्या, यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेट्स की भी सुनी जाती है सरल भाषा में. सो फेडरल सेटअप एंड डाइवर्सिटी, ओके, दिस हैव लेड टू द फ्लावरिंग ऑफ सेवरल रीजनल पार्टीज दैट हैव बिकम सेलियंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. काफ़ी सारे स्टेट्स में वही है जो कि जीत रहा है. काफ़ी सारे स्टेट्स में आप देख पा रहे हो कि उसका रीजनल पार्टी ही काफ़ी सालों से जीतता आ रहा है ना. तो अभी रिसेंटली जो है आम आदमी पार्टी, दे हैव गॉट द रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देयर आर 6 सच नाउ. तो अभी अगर आपसे पूछे हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया, कॉमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा, हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया. ओके, नाउ सी 3 अदर पार्टीज दे हैव लॉस्ट देयर नेशनल पार्टी. क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी. तो ऑप्शन में से ध्यान रखना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI अभी नेशनल पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी नहीं है, एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP अभी नेशनल पार्टी नहीं है. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अब एक क्वेश्चन देखिए UPSC 2017 में आया था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी. पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन. यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स करता है, कौन करता है? इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स और रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज. स्प्लिट मर्जर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी का लोगो, ये सब चीज़ें कौन अलॉटमेंट कौन करता है? अगर पार्टी स्प्लिट हो गया तो उसके बाद कौन लोगों को रखेगा? एवरीथिंग दिस थिंग्स आर डन बाय द इलेक्शन कमीशन. सो ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट है बिकॉज 1 and 2 आर रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओनली. थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लीजिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए भारत में क्या क्या प्रोविजंस होना पड़ेगा, आपके पार्टी को क्या फुलफिल करना पड़ेगा नेशनल पार्टी बनने के लिए. सो ईदर ऑफ दिस, ओके, इनमें से कोई एक होने से हो गया. रिकॉग्नाइज्ड इन 4 or more स्टेट्स एज अ स्टेट पार्टी. तो आप जो है दिल्ली के बाद पंजाब के केस में, और उसके बाद गुड नंबर ऑफ सीट्स इवन इन गुजरात एंड गोवा भी मिला है ना. तो रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन 4 or more स्टेट, दिस हैज़ बीन फुलफिल. और इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस वजह से आप हैज़ गॉट द नेशनल पार्टी स्टेटस. सो ईदर ऑफ दिस. हाँ, नेक्स्ट इज योर कैंडिडेट्स पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 or more स्टेट्स इन द लोकसभा. तो एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स का आपके पास आना चाहिए. एंड हैज़ एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल्स. वोन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 states. 3 states से कम आपको 2% से ज़्यादा यहाँ पे लोकसभा टोटल सीट्स लेके आना पड़ेगा. तो क्लियर मेजॉरिटी नहीं होने से भी आप क्या कर सकते हैं, बाई रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ एज अ स्टेट पार्टी इन 4 states, यू कैन बिकम अ नेशनल पार्टी इन इंडिया. नेक्स्ट लेट अस कम टू द मैप ऑफ द डे. आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये भारत के मैप का हिस्सा है और यहाँ पे ये श्रीलंका का मैप है. ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे आपका प्लेस है, दिस इज़ योर पाक स्ट्रेट एंड दिस रीजन इज योर द गल्फ ऑफ मुन्नार. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस रीजन, गल्फ ऑफ मुन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. अब अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन में देखें, देखिए गल्फ ऑफ मुन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज होम टू 21 islands. यहाँ पे कितने आइलैंड्स हैं, 21 islands दैट सर्व एज हैबिटेट फॉर कोस्टल बर्ड्स माइग्रेटिंग एज फार एज द आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल से भी आए हुए बर्ड्स तक इतने दूर से आए हुए, तो यहाँ पे वो माइग्रेशन के लिए उनको जो है एक होम, नया होम यहाँ पे कुछ समय के लिए मिल जाता है. व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज इंडियाज फर्स्ट मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व. फर्स्ट मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, मुन्नार बायोस्फीयर रिजर्व.
मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैव सैंड ड्यून्स अलोंग देयर कोस्ट लाइन्स विद सॉल्ट डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज, जो सॉल्ट में सर्वाइव कर सकते हैं. फ्लोटिंग रूट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मैंग्रूव्स बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंग्रूव्स भी है, कोरल्स भी है और सी ग्रास भी है. दैट इज़ वाई दे आर एन यूनिक इकोसिस्टम. ओके, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल तक आ जाते हैं. नेक्स्ट देखिए, अभी क्या है, परसेंटेज जीडीएस का जो कट ऑफ लिस्ट निकल रहा है 100% तक गया है ना. अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को वेद पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को मान लीजिए सिंगिंग और म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या, देखिए इसीलिए वेदास पुराण्स टू फेच स्टूडेंट्स क्रेडिट्स अंडर द न्यू फ्रेमवर्क. एक नया फ्रेमवर्क यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसके तहत एक क्रेडिट सिस्टम रहेगा और उस क्रेडिट में से आपको जो है क्रेडिट्स मिल जाएंगे अगर आपके पास वेदास और पुराणास का नॉलेज है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का नॉलेज है फॉर एग्जांपल, या फिर आप स्पोर्ट्स में आप पहले से नॉलेज रखते हो. इस तरीके से मान लीजिए जैसे कोटा रहता है ना, स्पोर्ट्स कोटा रहता है ना कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स कोटा लगभग सभी कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कोटा सीट्स रहता है. तो उसी तरीके से ये और भी क्रेडिट सिस्टम इसमें है. देखते हैं, देखिए देयर इज़ द NCRF. वॉट इज़ दिस? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो हम लेके आ रहे हैं, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. तो ये बेसिकली क्या करता है, वॉट इज़ दिस क्रेडिट फ्रेमवर्क? इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस. ये क्या है, ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना चाहिए अपने क्रेडिट सिस्टम को बनाने में. ठीक है, कि अगर इस ये रहेगा तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान तो रहेगा, लेकिन सिर्फ उसी पे आप रह जाओगे, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलप ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है. स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा तो आगे चल के इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा, स्किल इंडिया प्रोग्राम फिर अलग से करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत होगी, है ना. तो इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में पहले से ही फोकस किया जा रहा है. थ्योरिटिकल अप्लाइड साइंस और वोकेशनल एंड स्किल डिसिप्लिन. प्रीवियसली ये क्रेडिट सिस्टम किस में होता था, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स जो है वो अगर अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए तो बाद में वो ओपन स्कूलिंग से करते हैं. तो यहाँ से एक क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता था, वही चीज़ें अभी बाकी मॉडर्न स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी फॉलो करने के बारे में बात हो रहा है, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. सो दिस इज एम्फेसाइजिंग ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम. इसके अलावा किसी को गेम्स, स्पोर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्राफ्टमैनशिप, सोशल वर्क, ये कोई भी स्पेशल अचीवमेंट्स है तो उसको भी क्रेडिट दिया जाएगा. आपको पता होगा, आपने सुना होगा इस बारे में कि विदेशों में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो पूरा स्टूडेंट का बायोडाटा CV कंप्लीट किस तरीके से देखते हैं, सिर्फ मार्क्स से ही नहीं देखते हैं, और क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ किया है, और किन चीज़ों में मोनोटोनिक अप्रोच नहीं है, सिर्फ मार्क्स इकलौता क्वालिटी नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर टेबल ऑफ द डे. आज के टेबल ऑफ द डे में हम देख रहे हैं फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज इन इंडिया. तो बैडमिंटन से आप लोग को एटलीस्ट यहाँ पे प्रकाश पाडुकोन, बताइए कौन है प्रकाश पाडुकोन, हाउ डू यू, मतलब एक तो पिता के नाम से बेटी को जाना जाए, एक बेटी के नाम से पिता को जाना जाए. सो हु इज प्रकाश पाडुकोन? सानिया नेहवाल, PV सिंधु, सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स. सिमिलरली शिवा थापा, मैरी कॉम, बॉक्सिंग, आप सभी नाम याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ. ठीक है, देन वी आर कमिंग टू द एथलीट्स. PT उषा, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग जो मूवी बना था, और अभी सबसे लेटेस्ट, अगर इसमें आपको सबसे रीसेंट और सबसे लेटेस्ट आप कौन सा नाम इसमें जोड़ेंगे एथलीट्स में, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए कमेंट सेक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द टेबल टेनिस. टेबल टेनिस में चेतन बब्बोर. स्विमर्स में मिहिर सेन. मिहिर सेन इज़ फेमस फॉर क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल एज वेल.
देन कमिंग टू इंडियन शूटर्स यू हैव विजय कुमार अंजलि भागवत. ओके आप बाकी नाम भी गो थ्रू कर सकते हो बट एटलीस्ट रिमेंबर दिस. आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक हमने यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया है. जीएस पेपर वन से ये आपका क्वेश्चन है. ट्रोपोस्फियर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमोस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस. हाउ कितने लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर है. मान लीजिए आपका अर्थ है. अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट का गोला है. हवा का एक जो है चारों तरफ ब्लैंकेट के जैसा है. सो दिस इज योर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, राइट. तो ये बोला जा रहा है कि ट्रोपोस्फियर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमोस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस. तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सारे वेदर फिनोमिना, ये वार्म एयर राइजेस अप, फिर आपका मान लीजिए क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, एयर मास मॉइस्चर होल्ड करने का हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ये सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं. तो डेफिनेटली इट डिटरमाइंस द वेदर प्रोसेस. इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस हैपन. ओके सो प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आंसर दिस पर्टिकुलर टू डेज क्वेश्चन. ओके थैंक यू एवरी वन फॉर बींग इन दिस करेंट अफेयर्स सेशन. अगर आपने यहाँ तक देखा है एंड यू हैव एडजस्टेड विथ माई वॉइस सो थैंक यू एवरी वन. आप PDF यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं. कोई भी आपका सजेशन या फिर फीडबैक हो तो आप हमें इसके लिए रीच आउट कर सकते हैं. ओके थैंक यू. टेक केयर. स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.